मोरिना जिले के जनपद पंचायत केलारस के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़ में करीबन 20 वर्षों से आशा खंडेलवाल निवास करते चली आ रही थी। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इनके पति हुकुमचंद खंडेलवाल की तहसील कार्यालय में नौकरी थी। इनका भी निधन यहीं पर हुआ था। बाद में इनका बेटे का भी निधन ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़ में हुआ था। पर्व में पिता और पुत्र दोनों का दाह संस्कार ग्रामीणों द्वारा ही किया गया था। इसके चलते 5 महापर्व में ग्रामीणों द्वारा आशा खंडेलवाल को वृद्ध आश्रम मुरैना में भेजा गया था, क्योंकि इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। रविवार के दिन ग्रामीणों को सूचना प्राप्त हुई कि आशा खंडेलवाल पत्नी हुकुमचंद्र उम्र 65 साल, इनका भी निधन हो गया है। यह सूचना मिलने पर ग्रामीणों की आंखें नम हो गई और सभी ने विचार किया क्यों ना इनका भी दाह संस्कार ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़ में किया जाए। इसी बात की जानकारी वृद्ध आश्रम से ली गई और वृद्ध आश्रम से आशा खंडेलवाल की डेड बॉडी ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़ के लिए 108 की सहायता से भेजी गई। आज सोमवार के दिन आशा खंडेलवाल का दाह संस्कार ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़ में बने शांति धाम में किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के ग्रामीण लोग मौजूद रहे। यहाँ मेरा मकान है पास में, तो मेरे यहाँ यही तहसील के पास में इनका नाम आशा खंडेलवाल था और पति का नाम हुकुमचंद खंडेलवाल है। वो इनके पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ कैलारस में चपरासी के पद पर थे और उनके नौकरी का ही डेथ हुई थी। तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति में उनकी लड़की भी नियुक्ति हुई, लेकिन कुछ समय बाद उनके लड़के भी नियुक्ति हो चुकी थी और वो तब से ही हमारे मकान में रह रही थी। और अभी 15-5 उनके पास कल हमारे पास सूचना आई थी कि उनकी डेथ हो चुकी है, तो सभी मोहल्लावासियों ने इकट्ठे होकर उनको फ़ोन किया कि हमारे यहाँ उनकी बॉडी को भेज दिया जाए। तो उन्होंने मुरैना वृद्ध आश्रम से उन्होंने बॉडी को यहाँ भेज दिया, तो अभी उनका अंतिम संस्कार करके उनके आए। मुरैना से गौरव गोयल की रिपोर्ट।